आपका क्वेश्चन है इन आर ट्राइंगल डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी. नेक्स्ट इफ ए बी इज इक्वल टू 8x माइनस 7 डी बी इज इक्वल टू 5x माइनस 3 ए इज इक्वल टू 4x माइनस 3 एंड ई सी इज इक्वल टू 3x माइनस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, तो इसने पहले दे रखा है डी ई इज पैरेलल टू बी सी, दैट मींस ये वाली लाइन इसके पैरेलल. तो अगर ये पैरेलल में है तो दो ट्राइंगल्स हमारे हैं छोटे और एक बड़ा वाला, दोनों क्या हो जाएंगे सिमिलर. अगर ये सिमिलर हो गए तो साइड्स आर इन रेशियो और प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो वही हम लिखते हैं यहां पर ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी. ठीक है, इसके अंदर आपका कहीं पर भी ए बी दिखाई दे रहा है नहीं, इसमें इसने वैल्यूज क्या दे रखी है ए डी इज इक्वल टू समथिंग, तो ए डी इज दिस. नेक्स्ट डी बी मींस दिस. नेक्स्ट ए ई ये वाला एंड ई सी इज दिस वन. तो इसने फुल तो नहीं दे रखा कहीं पर भी, तो अब हम इसको क्या करेंगे जस्ट देखते हैं. ए बी को टुकड़े करेंगे, दैट इज ए डी प्लस डी बी एंड ए सी को ए ई प्लस ई सी. ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा लिखते हैं हम ए डी बाई ए डी प्लस डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए ई प्लस ई सी. ठीक है, अब ये जो वैल्यूज है ये हमारे पास में है, जस्ट हम पुट करते हैं देखते हैं हमारा क्या आता है. ए डी इज 8x माइनस 7, तो यहां पर आ गया 8x माइनस 7 बाई. नेक्स्ट ए डी इज अगेन सेम 8x माइनस 7 प्लस डी बी 5x माइनस 3 5x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू ए 4x माइनस 3 4x माइनस 3 बाई ए अगेन 4x माइनस 3 प्लस EC is 3x minus 1. 3x minus 1. ठीक है, ये जो वैल्यू आ गई है इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा 8x minus 7 by 8 plus 5 is कितना 13. तो हमारा आ गया 13x माइनस 7 माइनस 3 इज माइनस 10 दैट इज इक्वल टू सेम 4x माइनस 3 बाय नेक्स्ट 4x प्लस 3x इज 7x माइनस 3 माइनस 1 इज माइनस 4. ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो देखते हैं हमारा क्या आता है. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 13x. डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर लेते हैं हम, है ना, 4 इंटू 13 कितना होता है 52, तो हमारा आ गया 52x स्क्वायर. नेक्स्ट 4 माइनस 10 इज माइनस 40x माइनस 40x.
अब माइनस थ्री के साथ करते हैं, माइनस थ्री और थर्टीन तो कितना हो गया माइनस थर्टी नाइन, माइनस थर्टी नाइन एक्स, माइनस थ्री एंड माइनस टेन इज प्लस थर्टी, प्लस थर्टी, दिस इज इक्वल टू नेक्स्ट सेवन का करते हैं, सेवन एट जा कितना होता है, सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स, फिफ्टी सिक्स एक्स और एक्स इज एक्स स्क्वायर, फिफ्टी सिक्स एक्स स्क्वायर, फिफ्टी सिक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन, माइनस है ये तो माइनस फोर्टी नाइन एक्स, माइनस फोर्टी नाइन एक्स। अब माइनस फोर के साथ करते हैं, माइनस फोर इंटू एट इज थर्टी टू तो माइनस है माइनस थर्टी टू एक्स, माइनस थर्टी टू एक्स, ठीक है। नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस इज प्लस, फोर एंड सेवन फोर सेवन जा ट्वेंटी एट तो प्लस ट्वेंटी एट आ गया हमारा। नेक्स्ट अब क्या करना है आपको, जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है इसको हमको राइट साइड में लेकर आना है और बाकी सबको हम लेफ्ट में लेकर आएंगे, ठीक है। देखते हैं हमारा क्या आता है, हमारा आ जाएगा फिफ्टी टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस फोर्टी एंड माइनस थर्टी नाइन इज माइनस सेवेंटी नाइन एक्स, और 56x स्क्वायर तो क्या हो गया हमारा माइनस 56x स्क्वायर, माइनस 49x एंड माइनस 32 कितना हो गया आपका माइनस है तो इस साइड में आएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस, है ना। तो कितना हो गया 79 81, तो आपका आ गया प्लस 81 इज इक्वल टू 28 माइनस 30, 28 माइनस 30, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखते हैं हमारा क्या आता है, हमारा आ जाएगा 58 माइनस 56 इज माइनस 4x, x स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस 79x प्लस 81 इज प्लस 81 एक्स है, सॉरी है ना एक्स है नहीं, तो प्लस 2x, ठीक है हो गया। इज इक्वल टू माइनस 2, 28 माइनस 30 इज माइनस 2। अब टू के साथ हम डिवाइड कर सकते हैं आराम से, तो अभी भी माइनस साइन स्टार्टिंग में नहीं होता है तो हम क्या करेंगे माइनस साइन पूरा चेंज कर देंगे, पूरे साइंस चेंज कर देंगे और माइनस टू को इस साइड में लिखवा देंगे, लेट्स सी। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस है तो प्लस इज टू, ठीक है। अब ये सब किससे डिवाइड हो रहा है टू से, तो हम टू से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है ओके। नेक्स्ट वन को लेफ्ट साइड में लेकर आओ तो क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज में क्या है स्प्लिट मेथड, टू वन ए सी इज इक्वल टू डी, तो हम जब फैक्टराइज करेंगे तो हमारा क्या क्या आएगा देखते हैं, हमारा आएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स
माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। टू एक्स इज कॉमन पहले दोनों में, तो हम लिख लेते हैं टू एक्स इज कॉमन, तो एक्स माइनस वन प्लस वन, तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे दो टर्म्स आ गए x माइनस वन एंड 2x प्लस वन, तो x माइनस वन पहला एंड दूसरा क्या है हमारा 2x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। नाउ 2x माइनस वन, 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, पहला एक सॉरी x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा हमारा क्या है 2x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, 2x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो माइनस वन इस साइड में लेकर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू वन, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारा 2x is equal to minus 1. So what is x? x is equal to minus 1 by 2. ठीक है, तो अब ये ट्रायंगल है तो लेंथ कभी भी हमारी कैसी होगी माइनस में नहीं हो सकती, तो इसको हम क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे, तो x की वैल्यू हमारी क्या रहेगी 1, ठीक है।